के बड़े इशूज हैं, अभी भी चल रहे हैं कुछ इशूज। कुछ गवर्नमेंट में आपको पता है 10 रुपये भी निकालते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होती है, उन्हीं वजह से इनकी साइड बड़ी इफेक्टिव हुई है, बड़ी इफेक्ट हुए हैं, बड़ा मसला है इनकी साइड का। पर ये साइड जब एक दफा आप इसमें प्लगइन ऐड कर देंगे वो सर्च कंसोल का, तो आपको वर्डप्रेस के ऊपर भी कुछ एनालिटिक्स कुछ ना 30 डेज में खाला देते हैं, ये एक महीने से ज्यादा की नहीं देंगे, ये आपको बता देंगे कि आपके साइट के 28 डेट्स की बता देंगे, यूजर्स कितने आए हैं, कौन से चैनल से आए हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट जब बंदा आपकी वेबसाइट को विजिट करता है ना सर्च से, ये डायरेक्ट टाइप करता है, इसको ऑर्गेनिक कहते हैं कि उसने सर्च किया, सर्च में आपकी वेबसाइट नजर आई, उसने क्लिक कर लिया, ये ऑर्गेनिक हो गया। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट डायरेक्ट टाइप करके वो आया है, और सोशल का मतलब है कि सोशल अकाउंटों से कितनी ट्रैफिक आई है, फेसबुक ट्विटर इंस्टा इनसे कितनी ट्रैफिक आ रही है। ये थोड़ा सा आपको जो है ना ओवरव्यू यहां पर भी मिल जाता है। लोकेशन की बात अगर कर लें, ये आपको लोकेशन बता देते हैं, पाकिस्तान से, चाइना से, इंडिया से भी इवन आती रही है, और भी बड़े कंट्रीज से आती रहती है। डिवाइसेस में आ जाए तो मोबाइल की डिवाइसेस 80% है, मैं यही आपको बता दूं कि 80% जो ट्रैफिक होती है ना ये मोबाइल की होती है, और डेस्कटॉप की जो होती है ना 60% है, मतलब 16% है। जितने यूजर्स हैं उनमें से मैक्सिमम यूजर 60 यूजर्स मोबाइल से विजिट की है लास्ट 28 डेज में, और 12 यूजर्स जो हैं उन्होंने डेस्कटॉप से विजिट किया है। ये शॉर्ट कैटेगराइजेशन है। अगर आपने मजीद देखना हो तो यहाँ एनालिटिक्स नीचे आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें आइकन पे, तो यहाँ से आप गूगल एनालिटिक्स पे एक्चुअल पूरी पिक्चर आपको मिलेगी गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। यहाँ से टॉप में अगर आप देखें, ये टॉप में आप आके देख लें किसके अकाउंट पे देख रहे हैं। सबसे पहले देख लें ये जो अकाउंट है मेरा यही है, क्योंकि मेरे पास आप देखते हैं लिस्ट में और भी अकाउंट लॉगिन हुए हैं, तो ये इन्हीं का अकाउंट है, और उसमें भी व्यू मैं आगे चल के बताऊंगा व्यू क्या होता है। यहाँ से व्यू की सिलेक्ट कर लें कौन सा व्यू आपका है। सम टाइम आपका व्यू आपने जो सिलेक्ट किया हुआ होता है वो रिस्ट्रिक्टेड व्यू होता है। रिस्ट्रिक्टेड मीन आपने कुछ सेटिंग्स की होती हैं एडवांस लेवल पे कि आप कहते हैं कि ये वाली ट्रैफिक मॉनिटर नहीं होनी चाहिए, वो आप बाजार सेटिंग करके देख रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो व्यू डिफॉल्ट मिले उसको उसी तरह लें। अभी सिर्फ आप सीखने की हद तक हैं, अभी आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि व्यू में कोई एडिटिंग कर सके, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर आप सीखें फिर व्यू चेंज करें। व्यू में यहाँ से इनका GK2 का व्यू ले लें, यहाँ से होम में आ जाए। अब जो आपकी ट्रैफिक नजर आ रही है यहाँ से सबसे पहले देखें कितने डेज की है, ये 7 डेज की शो कर रही है। आप यहाँ से जाके ऑडियंस यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 90 डेज की देख लें, अभी 90 दिन की है। अगर आप मजीद देख लें अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से आप स्टार्ट डेट भी बता सकते हैं, एंड डेट भी बता सकते हैं। दोबारा ये मैं 90 डेज की देख रहा हूँ। अगर मजीद देखना है तो ऑडियंस रिपोर्ट पे चले जाएं, यहाँ पे जाके आप मजीद ट्रैफिक देख सकते हैं, ये अवर भी जो है, और यहाँ से आप जो है ना सबसे पहले ये ऊपर देख लें ग्राफ में कौन सी ड्यूरेशन है। मैंने लास्ट जितना भी 20 से आगे देख रहे थे डेटा, तो ये मेरे पास इनका जो है ना डेटा आ गया है। टाइम ड्यूरेशन देख लें कितनी सिलेक्ट हुई है, 5 मार्च 2020 से लेके 11 मार्च 2023 तक का डेटा है, जिसमें आप अगर देखें डेटा यहाँ पर कुछ नहीं है, एक्चुअल डेटा यहाँ से आया। उसकी रीजन ये थी कि इनका जो डेटा था बहुत सा डेटा लॉस होता रहा है, क्यों साइट इनकी कभी लिंक हुई है डीलिंक हुई है, साइट शट डाउन होती नहीं है इनकी अपनी मिस्टेकों की वजह से, जिस वजह से डेटा लॉस हुआ है काफी। वेबसाइट मौजूद थी लेकिन एक्चुअल जो 22 के बाद के इवेंट में जाके ये डेटा हुआ है, तो जब इसको प्रॉपर इंटीग्रेट किया गया उसके बाद का डेटा है, उससे पहले वाला डेटा लॉस है क्योंकि उससे पहले कोई इंटीग्रेशन थी नहीं। तो अब ये देखें ये 8000 यूजर्स आ रहे हैं जिन्होंने विजिट किए वेबसाइट्स को, न्यू यूजर्स इनमें 8687 नए यूजर्स थे,
सेशंस देखिए ज्यादा होंगे, एक बंदा एक से ज्यादा सेशंस क्रिएट कर सकता है, ये देख कर रखिएगा, इसीलिए सेशंस ज्यादा होते हैं। मैंने बताया भी ये सेशंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स पर सेशन जो है ना, इन्होंने क्या किया आपके जो यूजर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया सेशन से, तो 1.3 एक बंदे ने एवरेज 1.5 सेशन क्रिएट किया है, मतलब वही 2 होंगे मैक्सिमम। पेज व्यू आपके कितने पेजेस व्यू हुए हैं, 8000 यूजर्स ने आपके मिनट के 30000 तकरीबन पेज व्यूज किए हैं, ठीक है। पेज पर सेशन जितने पेज व्यू हुए हैं डिवाइडेड बाय सेशंस करते हैं, तो आपका एवरेज 2 पेज विजिट हुए हैं एक सेशन के अंदर, ठीक है। इसका सेशन ड्यूरेशन, एक सेशंस के अंदर एवरेज ड्यूरेशन कितनी रही है, एवरेज ड्यूरेशन बहुत बेहतर है 2 मिनट 30 सेकंड्स है, ये ऑल्स है, ये मिनट्स है, ये सेकंड्स है, 2 मिनट 32 सेकंड्स विजिट हुए जो कि ठीक है, एवरेज इतना ही होता है। अगर आपका एवरेज बहुत लो हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट में इशू है, जैसे भी करंटली चल रहे हैं इनके इशू, इनकी वेबसाइट पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि इनकी होस्टिंग के इशू है। इसके अलावा बाउंस रेट बहुत कम हुआ है, पहले बहुत ज्यादा था, ये अभी थोड़ा सा ज्यादा हुआ है क्योंकि इनकी वेबसाइट में मैंने बताया करंट इशू है जिस वजह से बाउंस रेट हुआ है, वरना इनका बाउंस रेट यही चल रहा है 40 to 60, ये ऑप्टिमल है, मैं बता दूं 40 टू 60 ऑप्टिमल है। बाउंस रेट अगर 60 क्रॉस कर रहा है तो फिर आपको देखने की जरूरत पड़ती है क्या रीजन हो सकती है, अदरवाइज ये ऑप्टिमल वैल्यू है 60। अच्छा, यहाँ से ये ऑडियंस रिपोर्ट में देख लूँ, इसके अंदर जो आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं रियल टाइम रिपोर्ट होती है, जो आप एक्चुअल उसी वक्त जितने लोग विजिट कर रहे हैं उनका डेटा देख रहे होते हैं, इसको रियल टाइम कहते हैं, लाइव जिसे आप कहते हैं डेटा। दूसरी एक्विजिशन रिपोर्ट, ऑडियंस रिपोर्ट होती है, कितने लोग थे, कितना टाइम गुजारा है, जैसे ये भी बता रहा हूँ कौन सी लैंग्वेज यूज करते रहे हैं, ये ऑडियंस रिपोर्ट आती है, इसमें क्लिक करें आपके पास उनके बिहेवियर की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, वो कौन से मोबाइल या टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस कौन सी यूज कर रहे हैं, प्लस भी उनसे ना यूजर फ्लो भी आपको मैं दिखा दूंगा अभी। तो मैं अभी आपको एक्विजिशन रिपोर्ट पढ़ा रहा हूं, मैं एक रिपोर्ट अभी पढ़ाऊंगा, सॉरी ऑडियंस रिपोर्ट एक ही रिपोर्ट, इसका ओवरव्यू दे रहे हैं एक्टिव यूजर जो उनसे ना ये देख लेते हैं, इनके जो उनसे ना यहाँ से आपको ये एक दिन का बता दें, यहाँ से आप कहेंगे 20 दिन में जो एक्टिव नहीं है, लास्ट 28 डेज का ये डेटा देंगे आपको, 28 डेज में देखें 72 यूजर्स हैं, ठीक है वो है, तो ये देख लीजिएगा आपने एक्टिव यूजर्स कौन से, उससे कोई ताल्लुक नहीं, यहाँ पर आपको ये पैनल से सिलेक्शन करनी है, जितने दिन करेंगे उतने दिन के यूजर्स डेटा वो बता देंगे कि कितने यूजर्स थे, इसकी वजह से इतनी इफेक्टिवनेस नहीं है, ये बेस्ट ये है कि यहाँ से सिलेक्ट कर लें और ओवरव्यू में आके देख लें कितने यूजर उस टाइम में रहे हैं आपके यूजर से, ये बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से ऑडियंस पे आए, अगर डेमोग्राफिक पे आ जाए तो वो आपको इनकी बता देंगे एज वगैरह कितनी है, 18 से 24 साल तक जो है ये हाईएस्ट है क्योंकि आपको पता है कि जो इनकी वेबसाइट है इधर एडमिशन लेने की जो एज है वो अराउंड अबाउट रहता है 16 से 20 के दरमियान है या 22 के दरमियान है तो हाईएस्ट जो विजिटर्स हैं उनकी एज इतनी है क्योंकि वो एज ग्रुप इतना है फिर 25 से 44 जब आपने पेड एड्स चलानी होती है तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा देखना होता है इस एड इस एज ग्रुप के लिए अगर आप चलाएंगे इफेक्टिवनेस तो उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल की इस एज ग्रुप के लिए होगी। माँ बाप अगर एड देखे ना तो वो एड को क्लिक भी करेंगे और उसको फर्दर रीड भी करेंगे, बच्चे एड नहीं क्लिक करते, बच्चे एडमिशन से रिलेटेड इतना इफेक्टिव नहीं देखते, स्पेशली इस ग्रुप के अंदर यूनिवर्सिटी की चलाएं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन
कॉलेजेस की मैं खुद स्कूल जबरदस्ती भेजा करते थे और ना हम तो भागते होते थे आठवीं जमात तक तो बड़ा मुश्किल से गया। फिर उसके बाद दसवीं के बाद जो था कॉलेज भी बहुत शौक से गया, यूनिवर्सिटी भी बहुत शौक से गया, लेकिन स्कूल बड़ा मुश्किल से जाया करते थे। मैं भी मेरे सारे बहन भी आप लोगों को मुझे नहीं पता लेकिन हम भी बड़ी मुश्किल से जाते थे। तो वो इस एज ग्रुप में बंदा पढ़ाई से भाग रहा होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा ठीक हो जाता है। तो ये आप थोड़ा सा आपको पता लग जाता है कि वैसे जो देखने में वो ज़्यादा इनकी एज कम एज की, उसमें एक और भी फैक्टर है मैं आपको बता देता हूँ। नैपटेक के कोर्सेज हो रही हैं जिस वजह से आपको ये एज ग्रुप बहुत हाई लग रहा है। नैपटेक के कोर्सेज की जो एज लिमिट होती है वो होती तो 40 तक है लेकिन वो मैट्रिक के लिए होती है, उसके जितने लोग आते हैं ज़्यादातर इस एज की होती हैं, 18 से ऊपर होती चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा विजिट वो करती हैं। अभी भी मैं आपको फ्लो दिखाऊंगा तो उनका बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। तो वो नैपटेक के जो फ्री कोर्सेज होते हैं हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियली है, नैपटेक के फ्री कोर्सेज की वजह से इनके बाकी कोर्सेज में भी जो इनटेक है वो बेहतर हो जाती है। लोग देख रहे होते हैं इनकी वेबसाइट की सर्चिज में रिजल्ट बेहतर आ जाते हैं। अगर आप लिखे ना यहाँ पे जाके टेक्निकल एजुकेशन, अभी पता नहीं आजकल जब तक तो मैं उधर था उस वक्त तो ये टॉप पे आ गए थे टेक्निकल। उस वक्त इनका नाम आता था, आजकल सीटीटीआई का आ रहा होता है, इन्होंने भी बहुत कंपेनिंग की है। इनको इफेक्ट जो पड़ा था ना जीपीआई को, ये इनकी जो वेबसाइट दो तीन दफा शटडाउन हो गई अभी आजकल कितनी है पहले पे नहीं है ये आ गई है यहां पे अगर है पहले पेज पे लेकिन नीचे आ गई है। वरना जब तक मैं पढ़ा रहा था उधर मैं इसको डेली किया करता था मॉनिटर, उस वक्त ये फर्स्ट पेज पे थी यहाँ पे थी कहीं पे। ये अभी पिछले दिनों इनकी वेबसाइट की होस्टिंग का इशू आया था तो पूरी वेबसाइट शट डाउन हुई थी कम से कम 2 महीने तक, दोबारा रीइंस्टेट तो करती थी लेकिन उसके नुकसान अभी तक पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो वेबसाइट इतना शट डाउन हो जाए फिर सर्चिज में रिजल्ट्स चेंज कर। तो ये बेसिकली आपके सर्चिज में ये आ गए थे। फायदा ये हुआ था नैपटेक कोर्सेज का कि इनकी जो सर्चिज थी ना ये बेहतर हो गई थी, ये थोड़ा सा होता है। तो ये आपको देखें एनालिटिक्स में पता लग जाता है आपके वेबसाइट पे जो लोग विजिट करते हैं उनकी एज क्या है और प्लस मेल्स कितने हैं फीमेल्स कितनी हैं। अभी यूं तो इसकी जो मैक्सिमम विजिटर हैं क्योंकि फीमेल इंस्टीट्यूट है तो फीमेल्स की जो उनकी स्ट्रेंथ है वो 60% जो विजिटर्स हैं वो फीमेल्स हैं क्योंकि ये हाई फीमेल इंस्टीट्यूट तो ज़्यादातर विजिटर्स हुई हैं, मेल्स हैं वो 40 तक हैं। एज का आपके हो गया, जेंडर का हो गया, इंटरेस्ट पे अगर आप आ जाएं, आपने देखा था आप जब कंपेन चलाते थे तो वो आपसे पूछते थे किस इंटरेस्ट ग्रुप को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो अब ये इनको बता रहे हैं कि आपकी जो वेबसाइट लोग विजिट करते हैं उनके इंटरेस्ट कौन से एरियाज में ज्यादा होते हैं। तो अब अगर आपने पेड एड चलानी हो तो बेस्ट ये है कि आप अपनी वेबसाइट के ऑर्गेनिक विजिटर्स की देखें इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, और अगर कोई बहुत हाई है जबकि इधर कोई मुझे हाई इतना लग नहीं रहा 4% 3% तक इंटरेस्ट है, ये 6% तक जॉब एंड एजुकेशन में है लोगों के इंटरेस्ट, तो ये नॉर्मल इंटरेस्ट हैं जो सालों के होते हैं। आप भी देख लें फैशन के इंटरेस्ट है, शॉपिंग के इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी के इंटरेस्ट है, तो यहाँ से आपको लेकिन थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है कि इस इंटरेस्ट के ग्रुप्स हमारी वेबसाइट ज़्यादा विजिट करते हैं तो लिहाजा हम इन जो ग्रुप्स को सिलेक्ट करते हैं पेड ऐड के लिए। ये आपको फैसला करने में आसानी होती है कि पेड ऐड के लिए ये ग्रुप्स बेहतर हो सकती हैं। अच्छा इसके बाद अगर आप देखें लैंग्वेज देख लें आपके जो यूजर विजिटर्स हैं उनकी कौन सी लैंग्वेज है, ज़्यादातर की इंग्लिश है, इंग्लिश में भी वर्जन आते हैं, यूके बेस है, अमेरिकन बेस है, ऑस्ट्रेलियन बेस है, इंडियन बेस है और बाकी उर्दू आ रही है लेकिन मैक्सिमम इंग्लिश है। लोकेशन पे आ जाएं तो आपकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की है क्योंकि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट है, फिर यूनाइटेड स्टेट से बहुत लोग विजिट करते हैं, ठीक है। और लोकेशन आपको यूजर्स पता लग रहे हैं कितने हैं, इनमें न्यू यूजर्स कितने हैं, सेशंस कितने हैं, बाउंस रेट कितने हैं। अब देखिए 84% बाउंस रेट है अमेरिका के अंदर क्योंकि उनका कंसर्न इतना ज़्यादा नहीं है इसलिए बाउंस रेट बहुत हाई है, समझ रहे हैं, इसलिए हाई है क्योंकि अमेरिकन का इस इंस्टीट्यूट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, तो
जिस वजह से बाउंस रेट हाई है। आप देखें बाकी यूएई वगैरह में भी ये आते हैं और कनाडा वगैरह में कम है बाउंस रेट। बाकी पेजेस पर सेशंस कितने देखे जाते हैं, एवरेज ड्यूरेशंस कितनी है, हर कंट्री से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इतनी डीप इंफॉर्मेशन तो मतलब, और अगर पहले जब ये नहीं था ना गूगल एनालिटिक्स तो पेड बहुत से यूज होते थे टूल्स, और मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त जब पढ़ाया करते थे तो उस वक्त पेड व्यूज जो थे एनालिटिक के मॉड्यूल वो अच्छे खासे महंगे हुआ करते थे। अब तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद आपको बिहेवियर्स पता लग जाएंगे। ये चले आप देख लीजिए टेक्नोलॉजी, आप देखें आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो वेबसाइट के विजिटर्स हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। वेब ब्राउजर क्रोम के यूजर सबसे ज्यादा है, हम सारे क्रोम से विजिट कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि क्रोम से ज्यादा है, क्रोम के बाद एंड्रॉइड से ज्यादा देखा जा रहा है और सफारी से देखा जाता है। सफारी आपको पता है एप्पल के लिए यूज किया जाता है, बाकी तो माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह देखें 3 सालों में कितने ज्यादा यूजर्स थे। तो इससे क्या आपको हेल्प मिलती है, इससे यह हेल्प मिलती है कि आगे देख लें बाउंस रेट किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। वैसे इसमें कम ही है ज्यादातर, यहाँ पर सैमसंग का जो है ना वेब ब्राउजर, ये इनका जो है इसके ऊपर बाउंस रेट ज्यादा 69% तक है, यानी 71 है। तो आप एक दफा फिर उस डिवाइस पे खुद भी विजिट कर लें अपनी वेबसाइट, मे बी वेब ब्राउजर उस डिवाइस के ऊपर जो आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, जैसे आप ना गूगल क्रोम के अलावा कोई वेब ब्राउजर यूज करें तो वेबसाइट लोड होने में ज्यादा टाइम ले रही होती है या नजर नहीं ठीक आ रही होती, तो आप फिर ये आपको पता है जब वेब डेवलपमेंट की जाती है तो ये डिफरेंट वेब ब्राउजर्स पे टेस्ट किए जाते हैं कि हमारी वेबसाइट सारे वेब ब्राउजर्स पे ठीक नजर आती है, तो ये आपको थोड़ा सा डिसाइड करने में आसानी हो जाती है कि ये हमारी वेबसाइट ठीक चल रही है। अगर बहुत हाई हो तो एक दफा खुद विजिट कीजिए तो उस वेब ब्राउजर को यूज करके कि आया कोई लोडिंग का इशू तो नहीं है, ये सारे आप फैसले कर सकते हैं। इसके बाद आप मोबाइल्स पे आते हैं, मोबाइल यूजर देखें आपकी डिवाइसेस के ऊपर अगर आप आ जाए तो देखें ज्यादातर यूजर जो होते हैं 75% यूजर्स क्या कर रहे हैं मोबाइल यूज करते हैं इसको विजिट करने के लिए। ये मैं आपको स्टैंडर्ड बता दूं 80% तक ट्रैफिक मोबाइल की होती है, तो आप जब भी वेबसाइट डेवलप करें उसको मोबाइल ऑप्टिमाइज जरूर करें, मोबाइल पर प्रायोरिटी पे करें क्योंकि 80% यूजर्स मोबाइल की हैं, तो आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली जरूर होना चाहिए। बाकी डेस्कटॉप के अब इसके बाद डिवाइसेस पे आके क्लिक करें मोबाइल के अंदर, तो आप देख लें हम हैं गरीब कंट्री लेकिन हम एप्पल के सबसे ज्यादा यूजर हैं, हाईएस्ट यूजर जो हैं ना वो एप्पल के जो नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि अगर आप देखें ज्यादातर ये यूज हो रहा है, इवन इंस्टीट्यूट के अंदर भी जितने टीचर हैं ज्यादातर एप्पल के हैं, जेब में हमारे तो है नहीं लेकिन हाथ में एप्पल है। उसके बाद हवावे के यूजर्स हैं, और हवावे की डिवाइसेस अच्छी हैं लोग ज्यादा, ये मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, तो इनफिनिक्स है, सैमसंग है और बाकी आप और भी मॉडल्स देख लें। अगर आप मजीद देखना चाहें तो लिस्ट डाउन करेंगे तो तमाम डिवाइसेस आ जाएंगी, कौन से मॉडल्स हैं वो भी सारे आगे आ जाएंगे। ठीक है, आप कौन से मॉडल्स के कितने विजिटर्स हैं आपको पता लग जाए तो आप देख लें कौन से मोबाइल से ज्यादा हमारी वेबसाइट विजिट कर रहा है। जी डेटा कैसे मतलब डाउनलोड हो जाता है, हां डाउनलोड हो जाता है, रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना सुन लो आपको, इसके अंदर इतना मुश्किल नहीं है, ये सिंपल सा है, आप जो है ना यहां पे जाते हैं ये एक्सपोर्ट का बटन आ रहा होता है कि आप एक्सपोर्ट कर लें, आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लें, पीडीएफ में मैं डाउनलोड कर लेता हूं, ये डाउनलोड हो गया बस, इतना आसान है ये। इसका फायदा ये होता है आपने अगर क्लाइंट को ब्रीफ करना है उसके लिए होता है कि आप उसको सिलेक्टेड पोस्ट में सिलेक्ट करके भेजते हैं कि ये मैंने एक बार किया था इसके ये रिजल्ट आए हैं आप ये देख लीजिए, ये आपका डेटा वगैरह एक्सपोर्ट हो गया, ये आपके सामने डेटा हो गया, बहुत आसान। अच्छा, इसके बाद जो उनसे आपके पास लास्टली यूजर फ्लो करता हूँ, यूजर फ्लो थोड़ा सा समझ लें, ये टेक्निकल चीज है आपके समझने में, यूजर फ्लो देख लें क्या होता है, आपके जो यूजर्स हैं वो कौन से कंट्री से आ रहे हैं, मैं कहूँ पाकिस्तान से हैं, उन्होंने कौन सा पेज विजिट किया,
किया है और फर्स्ट पेज कौन सा विजिट हुआ है, ये स्टार्ट पेज, ये फर्स्ट पेज आपके आ गए हैं, फर्स्ट इंटरेक्शन कहां से हुआ है, ये नेक्स्ट पेज आपके आ गए हैं, उसके बाद फर्दर वो कौन से पेज पे गए हैं। तो ये यूजर फ्लो आया कि पाकिस्तान से जो यूजर्स आए हैं सबसे ज्यादा वो उन्होंने ये वाला सेशन हाईलाइट करते हैं यहां पे। देखिए ये वाली मैंने ट्रैफिक हाईलाइट किया, 8000 यूजर्स आए हैं यहां पे, ठीक है, यहां पे जो से हैं और यहां पर जो है एडमिशन पॉलिसी पे कितने लिए 219, उसके बाद शॉर्ट प्रोसेस पे 423 लोग गए हैं, उसके बाद ये डिपार्टमेंट्स पे 241 गए हैं और जॉब्स के उस पे कितने गए हैं, उसके बाद यहां से आगे कितने गए हैं। मैं यहां पे आऊंगा एडमिशन पॉलिसी पे, राइट क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, हाईलाइट देयर करूंगा, एडमिशन पॉलिसी के बाद ये होम पेज पे गए हैं 360, या एडमिशन पॉलिसी पर शॉर्ट कोर्सेज पे गए हैं, डिपार्टमेंट पे गए हैं और बाकी ड्रॉप डाउन भी हुए हैं। ये जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि यहां से ये ड्रॉप भी हुए हैं, कितने ड्रॉप हुए हैं आप जाके क्लिक करें, 401000 लोग आए थे, 1100 लोग आए थे जिसमें से 450 के लगभग लोग ड्रॉप हो गए, मींस उन्होंने यहां से एग्जिट किया, ये यूजर फ्लो है। यहां तक क्लियर है आपको सारा कुछ, क्लियर है पीछे, पता नहीं मैं तो पढ़ाया, अब आप लोग ऐसा कि मैं अभी आपको एक्सेस दूंगा इसके ऊपर सबको व्यूएबल एक्सेस दूंगी, आप इस अकाउंट की एक रिपोर्ट पर स्टडी कर लें और वो है ऑडियंस रिपोर्ट। ऑडियंस रिपोर्ट में आपने ये सारे पैरामीटर स्टडी करने हैं और मैं आपको वन बाय वन बुला के थोड़ा सी एक दो चीजें पूछूंगा, जस्ट ये कि आप देख लें उसको, मैं एक दफा बुलाऊंगा बस पूछूंगा एक दो चीजें, सिर्फ ऑडियंस रिपोर्ट स्टडी, ठीक है। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन है और यहाँ से ऊपर से सबसे पहले देखें आपने डेट सिलेक्शन प्रॉपर कर लें, 2020 से ऑनवर्ड रखिएगा वरना डेटा बहुत कम नजर आएगा, क्योंकि मैंने बताया इनकी साइट 2 से 3 दफा शटर हुई है, अभी भी रिसेंट भी शटर हुई है, अभी होता है नहीं, ये मैं अभी एक्सेस दूंगा ना, आपने वो जीमेल फॉर्म फिल कर दिया है, मैं आपको एक्सेस देना भी सिखाता हूँ, अगर आपने किसी को एक्सेस देनी है, जैसे आप किसी का काम करें आप कहते हैं उसको भी मैं एक्सेस दूँ, वो देखें कैसे दी जाती है, एडमिन भी आती है आप यहाँ पर, कोई भी ऐसा काम करना है यहाँ पर नीचे एडमिन में